अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यूपी के कौशाम्बी जनपद में संदीपन घाट थाना क्षेत्र के पंडा चौराहे में गुरुवार की रात सोते समय ससुर, दामाद और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आक्रोशित स्वजनों ने इर्द गिर्द मौजूद आधा दर्जन घरों को आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस हालत को काबू करने के प्रयास में जुटी। घटना के पीछे भूमि विवाद का मामला बताया जा रहा है। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के ही छबीलवा निवासी 62 वर्षीय होरीलाल की जमीन पंडा चौराहे पर है, जिसका आसपास कुछ लोगों से विवाद चल रहा है। लिहाजा होरीलाल ने विवादित भूमि पर झोपड़ी डालकर अपना कब्जा रखा है। होरी लाल के 26 वर्षीय दामाद शिवसागर और 22 वर्षीय बेटी ब्रजकली निवासी कंकराबाद खोखरा राज भी झोपड़ी में रहते थे। वहीं जानकारी होने पर छबीलवा के ग्रामीण भी आ गए। आक्रोशित स्वजन और ग्रामीणों ने बंद घरों को आग के हवाले कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। इस संबंध में एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि फोर्स मौके पर पहुंच कर हालत पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। जल्दी घटना का वाजिब कारण पता लगा दिया जाएगा। फिलहाल भूमि संबंधित विवाद का मामला बताया जा रहा है। बॉक्स में रखे एक नली लाइसेंस बंदूक को भी निकाल जमीन में रखी हुई थी, भला ये क्या था, चोर बंदूक नहीं ले गई। सूचना पर रात को ही आ रही पुलिस ने गांव के पास से ही एक बाइक सवार पर 3 संदिग्ध को रोक पकड़ा। जांच पड़ताल करने पर पहुंचे उप निरीक्षक भैया राम ने बताया कि पकड़े गए संदिग्ध के पास से कोई सामान बरामद नहीं हुआ है। वहीं पूछताछ जारी है, चोरी का खुलासा जल्दी हो जाएगा। बता दें कि बीते दिन महीने के अंदर क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक हुए चोरियों की एक भी खुलासा पुलिस नहीं कर पाई है। जाने से चोरों का हौसला इस वजह से बढ़ता ही जा रहा है। और जो पीड़ित पक्ष है उसके परिवार परिजन कुछ यहाँ जो विपक्षी हैं उनके घर के बाहर जो झोपड़ियाँ थी उसमें आग लगाई हैं। आग पे काबू पा लिया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। हम लोग यहाँ मौके पे मौजूद हैं और जो विधिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं।